नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूँ शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कपल कपल वाला वाला रिएक्शन। रिएक्शन गाइस, आज की वीडियो है खुजली फैमिली चैनल से और वीडियो का नाम है रोस्टिंग ऑल ब्लॉगर्स ऑसमो कॉस्मोस स्पीक्स। स्पीक्स। तो मज़ा आने वाला है सारे ब्लॉगर्स के ऊपर रोस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं गाइस। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा खुजली फैमिली, और इनकी वीडियो का लिंक और चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल देखते हैं। स्टार्ट। फ्रेंड्स एंड फैंस, आज की वीडियो को आपने एक रोस्ट वीडियो की तरह नहीं देखना, क्योंकि ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है, बल्कि इसको आप एक सिट डाउन कॉमेडी समझ लें। आज हम जिस मखलूक की बात करने वाले हैं उनका नाम है व्लॉगर्स। जी हां, आज बात होगी व्लॉगर की जिंदगी की। ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी था क्योंकि आजकल के जमाने में कभी भी कोई भी कहीं भी ऑफेंड हो सकता है। आजकल लोगों की बिरयानी में इलायची भी आ जाए तो वो ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं। एक हंसते खेलते इंसान के स्वाद को बिगाड़ने का हक आखिर किसने दिया इस इलायची को? #बिरयानी विद नो इलायची। तो जी, व्लॉगर वो शख्स है जो सुबह हगने से पहले अपना कैमरा पकड़ लेता है कि लो जी आज मैं दिखाऊंगा कि मेरा दिन कैसे गुजरता है। तो जी दिन शुरू करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नहीं एक लफ्ज ऐसा है जो सुन सुन के मेरे कानों में नासूर किस्म के जख्म बन गए, और वो लफ्ज है गाइज। इनका हर जुमला दो तरीके से शुरू होता है। ओके गाइज, तो गाइज गाइज पता क्या हुआ? गाइज गाइज यू वोंट बिलीव इट गाइज, ये गाइज सुन सुन के गाइज फट गई है, लेकिन ये कुछ चेंज नहीं कर रहे। कुछ लोग व्लॉग शुरू करते हुए इतनी एनर्जी के साथ फट पड़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, तो गाइज यू वोंट बिलीव इट, आज हम जहां पे जा रहे हैं इट्स सो एक्साइटिंग, द प्लेस इज ओ माय गॉड अमेजिंग। आज हम जा रहे हैं दही और अंडे लेने। ओ भाई इतनी एनर्जी, कल रात के थोर के साथ सोए थे, इतनी एनर्जी अभी जाया कर दोगे तो भाई जब बहुत जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त क्या करोगे? इन्होंने अपने साथ कुछ गरीब दोस्त भी रखे होते हैं जिनको ये बात बात पे जलील करते रहते हैं। अगर वो अच्छे कमबैक के साथ आ गए तो वो वाला पार्ट ये लोग हटा देते हैं। अगर आपने ग्रामर पढ़ी हो तो आपने टेंसेस भी पढ़े होंगे, और ये व्लॉगर्स हमेशा दो टेंसेस में बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, तो अभी हम खेल रहे हैं, तो अभी हम खाना खा रहे हैं, तो अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो गाइस अभी हम खाना खा चुके हैं, तो गाइस अभी हम चढ़ चुके हैं, तो अभी हम सो चुके हैं, तो अभी बहुत गंद हो गया यार। ये लोग एक चीज पर कठिन किस्म का भरोसा रखते हैं और वो है द बिगर द बेटर। अगर तुम कहते हो कि साइज डजंट मैटर तो इनसे पूछ लो, इनके लिए साइज डज मैटर। तभी इन्होंने छोटे बड़े बहुत बड़े हर किस्म के लेंस लिए रखे होते हैं। जहां भी जाते हैं वहां के लोगों के मुंह के ऊपर अचानक से कैमरा रख देते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। अरे भाई हर बंदा इतना एक्सटेम्पोर, इतना स्पॉन्टेनियस नहीं होता, उन्हें समझ ही नहीं आती, उनके दिमाग के न्यूरॉन फट जाते हैं कि बोलना क्या है, और रह क्या जाता है, फिर वो यही बोलते हैं। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा है यहाँ। तो ये बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं कि हम जो है तरक्की, हमारा मुल्क इंशाल्लाह। ड्रोन के साथ तो इनकी वखरी कोई ऑब्सेशन होती है। हर व्लॉगर की जिंदगी में एक कहानी होती है जिसमें उसका ड्रोन गुम जाता है या टूट जाता है। इनकी जिंदगी में रैंडी रोने नहीं होते, इनकी जिंदगी में रैंडी ड्रोने होते हैं। तो गाइज अभी हम अपना ड्रोन उड़ा रहे थे, वो जैसे ही आसमान की तरफ गया तो वहां पे किसी कवे ने उसके सेंसर के ऊपर टट्टी कर दी, जिसपे मेरा ड्रोन बौखला गया और वो लुढ़कता लुढ़कता नहर में गिर गया। पानी के बहाव के साथ जा के वो किसी पत्थर के साथ टकरा गया, उसके सारे पर शहीद हो गए। अभी हम ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह आप दुआ करें हमें वो मिल जाए। उससे मैंने जो शॉर्ट्स लेने थे वो मैं नेशनल ज्योग्राफिक को सबमिट करने वाला था, लेकिन ड्रोन से इनका इतना कोई प्यार होता है कि जिस भी चीज को देखते हैं तो यही सोचते हैं इसको अगर हम ऊपर से दिखाएं तो कैसा लगेगा। कुछ खाने भी जाएंगे तो कयूम कबाबी के तिक्कों के ऊपर भी ड्रोन उड़ाते हुए जाएंगे। कुछ व्लॉगर्स तो हर छोटी चुतड़ू चीज को इमरजेंसी शो कर देते हैं। ओ माय गॉड गाइस, आई कैन नॉट टेल यू, मुझे बताने नहीं आ रहा आपको। ओ माय गॉड, दिस इज सो डिस्टर्बिंग। ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव इट गाइस, जो मैंने अभी देखा वहां पे दरख्तों में एक बंदा खड़े होकर पेशाब कर रहा है। क्या हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है? कुछ व्लॉगर्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि आए गाइस आज मैं अपने अब्बू को सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हूँ, आज मैं उनके लिए लेने लगा हूँ उनकी ड्रीम कार। हालांकि उस गाड़ी को कंप्यूटर पर बैठ के अपने अब्बे के साथ 101 दफा ओएलएक्स करके देख चुके हैं कि सेकंड हैंड कितने की मिलेगी। क्लिकबेट का तो पूछो मत, एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, कुछ भी लगा देते हैं कि माय। अंदर जाके देखोगे तो बीवी फ्रूट चाट के लिए केला काट रही होगी। अब एक सेल्फ मेड आदमी अपना गाड़ी या पैसा दिखाए तो चलो इंस्पिरेशन मिलती है। कुछ व्लॉगर्स भी लाइक गाइस चेक आउट माय न्यू बीस्ट, माय न्यू राइड, आज हम इसको चलाएंगे, ये मेरे दोस्त जमील की है। कुछ लोग बाउंड लग्जरी दिखाते हैं। अब बाउंड लग्जरी दिखाने से मसला नहीं है, लेकिन बाउंड लग्जरी दिखा के ये बोलना कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ कि आम आदमी उससे रिलेट कर सके। अब मंडी बहाउद्दीन में बैठा हुआ बंदा तुम्हारे BMW वाले ब्लॉग से रिलेट करेगा? फूड ब्लॉगर्स का तो अपना चल रहा है भाई,
गाइस आज हम आए हैं जावेद चाचा के गुलाब जामुन खाने। गाइस जावेद चाचा के गुलाब जामुन इतने मशहूर हैं कि पूरे लाहौर में हर घर में छोटा बड़ा बुड्ढा हर औरत को पसंद है। इनकी मजेदार बात यह है कि इनके गुलाब जामुन बहुत ज्यादा रसीले, इतने रसीले कि अगर जावेद चाचा दूर से भी दिखाएं तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। जावेद चाचा लाहौर में ये काम करते हैं, खुद इनका ताल्लुक गर्म इलाके जैकबाबाद से। इसके बाद हम लाला पठान के रसगुल्ले भी खाने जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ ब्लॉगर्स ऐवे कि अनाउंसमेंट करने आ गए होते हैं। गाइस ये बहुत मुश्किल घड़ी है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं कब से 10 मिनट की वीडियोस बनाए जाता था और इसमें बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं 9.5 मिनट की वीडियोस बनाया करूँगा। आई नो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू, बट आप इसमें मेरा प्लीज़ साथ दें। अब जो ये मैं बात कहने वाला हूँ ये सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए नहीं बल्कि हम सारे पूरे यूट्यूबर्स के लिए आती है कि जब मौत का फरिश्ता हमारी सांस खींचने आएगा अगर वो आखिरी ख्वाहिश की ऑप्शन देगा तो हम यही कहेंगे, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब भाई मेरी बात सुनो, मेरा अपना फेवरेट यूट्यूबर एक ब्लॉगर है, मैं खुद भी एक ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉगिंग से कोई मसला नहीं है, बस ये कि व्लॉगर्स की थोड़ी सी ले ली बस। क्या हो गया इसमें, तुम कहोगे तो मैं रोस्टर्स की भी ले लूंगा। भाई हम किसी भी किस्म के जॉनर से कोई नफरत नहीं करते, अगर आप समझदार हो तो मुझे ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू लाइक द वीडियो यू सब्सक्राइब बोथ माय चैनल, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। कैसा नाम है ना, जबरदस्त, मतलब इनकी वीडियो अलग ही होती है, बढ़िया होती है, काफ़ी एनर्जी से भरे हुए होते हैं भाई ये खुद ही और फुल वीडियो एनर्जी के साथ बनाते हैं। सही बनाया इन्होंने, जो होते हैं ना वो वाले ब्लॉगर जो दिन की स्टार्टिंग से अपना शुरू कर देते हैं, आज गाइस मैं ये करने वाला हूँ, आज गाइस मैं वो करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, आज मैंने यहाँ जाना है, आज मैंने वहाँ जाना है। तो इंटरेस्टिंग तो लगता है उनके ब्लॉग्स, बट इन्होंने उनके ऊपर जो 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 भी रोस्टिंग करी ना वो भी सही है बिल्कुल कि आप सुबह वॉशरूम जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपका कैमरा आपके साथ ही होगा मतलब सच में मैंने भी ऐसे काफ़ी ब्लॉगर देखे, कुछ भी ब्लॉगिंग के नाम पर कुछ भी कर देते हैं। हाँ। कुछ भी, कहीं कोई कुछ जा रहा है आ रहा है, कोई घर पे आया, ये वो कुछ भी, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, हर चीज़ ब्लॉगिंग पे यार, हर चीज़ थोड़ी ना होती है भाई, कहीं कुछ स्पेशल कर रहे हो, कहीं उठे कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, नई जगह पे जा रहे हो, कुछ नया हो रहा है लाइफ में, अच्छा हो रहा है, वो चीज़ें दिखानी चाहिए, सब कुछ थोड़ी ना। तो गाइस ये जो ब्लॉगर होते हैं ना मतलब कुछ भी कर देते हैं, कहीं ऐसे देखे काफ़ी है कि कहीं मार्केट में गए वहाँ भी बना लिया, इवन पार्क में भी गए वहाँ भी अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दी, लोग देख रहे होते हैं क्या ही कर रहा है भाई हाँ सब बोर होते हैं बस उनको अपना ब्लॉग बनाना है। काफ़ी लोग तो जिम जाते हुए वो एक्सरसाइज करते हुए ब्लॉग करते हैं, कोई खेलते हुए ब्लॉग कर देता है, बना कुछ भी मतलब ब्लॉगिंग के नाम पर ड्राइव करते हुए ब्लॉग बना लो कुछ भी। और सही इन्होंने सही बताया ऑस्मोस स्पीक ने। हाँ। और इनकी एक वो बात थी ना जो हर कोई बोलता है गाइस, ऑब्वियसली हम भी बोलते हैं गाइस ऐड करो तो एक तरह से जब से ये गाइस वाला नाम आया ना तब से ट्रेंड हो गया, तो सब लोग गाइस 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 नेम ज्यादा ऑफेंड होता है सामने, जबकि फ्रेंड्स दोस्तों काफी सारे वर्ड्स हैं आपके लिए तो बट गाइस ही मुंह पे आता है सब छोटा है ना ये अभी वो फ्रेंड्स दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा, गाइस छोटा सा वर्ड है और अपनेपन जैसा भी लगता है ना गाइस। अब ऐसा हो गया कि सुनने में भी ना, अब देखो कुछ वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के जो आपको आप हिंदी या उर्दू बोलोगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा हमें, हम इंग्लिश वर्ड बोल के ज्यादा कंफर्टेबल हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हाँ, बहुत होते हैं ऐसे, आप अगर गौर करोगे आपकी हमारी डेली की लाइफ में ऐसे बहुत से वर्ड हैं इंग्लिश के जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, आप प्योर उर्दू या प्योर हिंदी बोल ही नहीं सकते, आप बोलोगे तो आपको अजीब सा लगेगा यार ये क्या ही हो रहा है यार, मतलब कुछ अजीब सा नहीं हो रहा ये। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा हो लैंग्वेज का ज्ञानी कहीं ना कहीं इंग्लिश का वर्ड यूज करते ही करते हैं क्योंकि ये आजकल हमारी लाइफ के पार्ट बन गए, काफी सारे इंग्लिश के वर्ड हैं ऐसे। अब वर्ड कहीं बता दो मतलब क्या होता है हिंदी में, शब्द अक्षर शब्द शब्द और प्योर हिंदी तो अक्षर अक्षर हाँ शब्द अक्षर तो फिर मुश्किल है। कोई वर्ड इंग्लिश का ऐसा होता है उसका हिंदी बहुत ही मुश्किल बहुत ही रेयरली पता होता है किसी को,
एक काम करेंगे, एक वीडियो ना ऐसे करेंगे जिसमें सिर्फ ना हमने हिंदी और उर्दू ही बोलनी है, हमने कोशिश करेंगे इंग्लिश ना ही बोले, हालांकि हो नहीं पाएगी बट फिर भी ट्राई करके देखेंगे, देखते हैं कितना हम कितना पानी में है। सही में। तो व्लॉगर यहाँ आते हैं ऑस्मो स्पीक पर। और भी काफी कुछ बताया इन्होंने, काफी क्या क्या बताया, फूड ब्लॉगर के ऊपर बताया, वो फूड ब्लॉगर के ऊपर बताया कि लाहौर के किसी चाचा का नाम लेकर के कह दिया गुलाब जामुन इतने रसीले होते हैं कि वो दूर से खड़े होकर भी दिखाएंगे तो इतना रस निकलेगा उसमें से, रस टपकेगा। हालांकि इनकी ये बात है, फूड ब्लॉगर जो जब बनाते हैं ना, वो लोग जब बाई चांस खाना दिखाते हैं या खाना खा रहे होते हैं दिखाते हैं ना, उस टाइम फिर देखना पानी आ जाता है वाकई में, वो वाला सी ना, फिर दिल कर जाता है यार खाना, यार भूख लग रही है यार खाना है, आपका पेट कितना ही भरा हो एक बार के लिए दिल कर जाता है यार थोड़ा सा तो ट्राई कर सकते हैं ऐसे वाला। बढ़िया गाइस, मजा आ गया। तो गाइस आप खुजली फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिए, इनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली नई वीडियोस का पता चल सके आपको। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।